सारियां नूं सत श्री अकाल, स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। मैं हाँ सुमनप्रीत कौर अते अज है 1 सितंबर 2023। अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे 1 सितंबर 2023 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे MCQ। हर एक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दसांगी, सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। जिहड़े भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं वो टैलीग्राम चैनल पर विजिट करके इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। टैलीग्राम चैनल का लिंक मैं तुहानू इस वीडियो के हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे दिता होया है। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाल ही विच केड़े राज विच ESMA एक्ट लागू होया? हाँ जी, ESMA यानी कि एसेंशियल सर्विस मेन एक्ट, यह लागू किया गया पंजाब दे विच। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो पंजाब दे विच जिन्ने भी पटवारी आ, कनबोआ अते कई होर अफसर आ, इन्हां ने कलम छड्डो हड़ताल आ जिहड़ी वह 31 सितंबर तो शुरू करन दा ऐलान किया सी। ते नाल ही भगवंत मान, पंजाब दे चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, उन्होंने इस ते रोक लगाउण लई ESMA एक्ट पंजाब दे विच लागू कर दिता, जिहड़ा कि 31 अक्तूबर तक लागू रहेगा। उन्होंने ये कहा कि असी पंजाब दे किसानां दा हड़ा कारण जो नुकसान होया उन्हां दी भरपाई करन लई जो गोदावरी दे रहे हैं वह पटवारी अते कणगो दा ही काम आ, उते तुसी कलम छड्डन लई कह रहे हो, इदां तां लोक जिहड़े उन्हां नूं तुसी खराब कर रहे हो, ते असी लोकां नूं खराब नहीं होण देना। इस करके जिवें ही तुसी कलम छड्डदे हो तां इस एक्ट दे थ्रू उन्हां नूं सिद्धा सस्पेंड किया जाएगा उन्हां दी जॉब तों। ठीक है, ये आ इस ए एक्ट जिहड़ा कि कलम छोड़ो हड़ताल नूं रोकण दे लई लागू किया गया वा। हाँ जी, नैक्सट हुण पंजाब दे विच लागू होया है, तां देख सकते हो तुसीं मैप दे विच पंजाब, पंजाब दी कैपिटल है चंडीगढ़, इत्थों दे चीफ मिनिस्टर आ भगवंत सिंह मान, ते इत्थों दे गवर्नर आ बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब दी हद सिर्फ एक ही देश नूं लगदी है, वह है पाकिस्तान। दो केंद्र शासित प्रदेशों नूं लगदी है, एक लगदी है जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ी पठानकोट की हद लगती है, तो एक लगती है चंडीगढ़ नूं हद, ठीक है, पंजाब की। सो इस तुसीं ध्यान दे विच रखना। तो इस तों इलावा पंजाब नूं एक हिमाचल की हद लगती है, हरियाणा की हद लगती है, ठीक है, तीन राज आ हिमाचल हरियाणा अते राजस्थान, सो तुसीं इह वी ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अक्सर एग्जाम दे विच पुछ लिया जाता है कि भारत दे विच पंजाब किहड़े दिशा दे विच आ, दक्षण पछम दे विच आ जां उत्तर पूर्व दे विच आ, इदां दीआं ऑप्शन दे के उह पुछ लैंदे आ, ठीक है। तो उत्तर पछम वल, उत्तर पछम दे विच इत्थे स्थिति है पंजाब दी इंडिया दे मैप दे विच, सो तुसीं ध्यान दे विच रखना, ही हुंदा उत्तर ते इधर हुंदा पछम, सो इह वी तुसीं पूरा मतलब आपदा आंसर ध्यान नाल लगाउणा। इस तों इलावा जेकर करंट अफेयर की गल करिए पंजाब दी, तां राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब दे राजपाल दे प्रमुख सकत्तर दा अहुदा संभालिया सी। पंजाब सरकार ने गीतां विच हथियारां दी प्रदर्शनी ते पूर्ण पाबंदी लगा दित्ती। पंजाब सरकार ने अपने मुलाजमान लई पुरानी पेंशन स्कीम लागू कीती। पंजाब विच एशिया दे सब तों वड्डे कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट दा उद्घाटन होया। पंजाब विच 4 बागवानी एस्टेट स्थापित कीते जाणगे। नैक्सट है, केड़ी राज सरकार ने कौमी सिक्ख्या नीति 2020 दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती? हाँ जी, कौमी सिक्ख्या नीति 2020 दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती है हरियाणा दी गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने कौमी सिक्ख्या नीति 2020 अनुरूप आत्म निर्भर भारत दे लई खोज नूं प्रोत्साहित करन दे लई इह प्रस्ताव नूं मंजूरी दित्ती आ। हुण हरियाणा ने दित्ती आ, तां देख सकदे हो तुसीं मैप दे विच हरियाणा, हरियाणा दी कैपिटल आ चंडीगढ़, इत्थों दे चीफ मिनिस्टर आ मनोहर लाल खट्टर, इत्थों दे गवर्नर आ बंदारू दत्तात्रेया, ठीक है। इस तों इलावा हरियाणा दे विच सुल्तानपुर नैशनल पार्क आ, कालेश्वर नैशनल पार्क आ, हरियाणा दे विच वीर शिकारगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, चिलचिला वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, खपरबास वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, खुलही रेतन वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ। हरियाणा दे फेमस लोक नाच आ घुमार फग नाच, धमाल सांग नाच, इस तों इलावा झूमर नाच, बीन बंसरी, ये फेमस लोक नाच आ। नैक्सट है, हाल ही विच लघु सिंचाई योजनावां विच केड़ा राज टॉप ते रहा? हाँ जी, लघु सिंचाई योजनावां दे विच टॉप ते रहा वा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। हुण उत्तर प्रदेश टॉप ते रहा,
ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜੀ ਲਖਨਊ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਆਨੰਦੀ ਬੈਨ ਪਟੇਲ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਧਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਝੋਰਾ, ਨੌਟੰਕੀ, ਕਜ਼ਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਅਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤੰਗੀਆ ਵਿਲੇਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈ ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਨੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੜੀਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 65,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਵੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੀਲਾ। ਉੜੀਸਾ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦਨਕਾਨਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਭਿਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਚਿਲਕਾ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਕਾ ਝੀਲ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸੀਕੁਲੀਆ ਬੀਚ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਬੀਚ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ 4,373 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ CSP+ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸਿਸ ਤਲਪਾਤਰਾ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 30ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 57 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ FDI ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ? FDI ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਮੁੰਬਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਸ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਗਾਮਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਬੋਰੀ ਬਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਤਾਡੋਬਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਚੰਦੌਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਨਵੇਂਗਾਓਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਤਨਸਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਲੋਨਾਰ ਝੀਲ ਆ, ਉਜ਼ਾਨੀ ਡੈਮ ਆ, ਜੈਕਬਾੜੀ ਡੈਮ ਆ, ਕੋਇਨਾ ਡੈਮ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਫੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NCERT ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, NCERT ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੌਲਪੁਰ ਕਰੌਲੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਧੌਲਪੁਰ ਕਰੌਲੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਜੈਪੁਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸਰਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਰਣਥੋਂਬੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਡੇਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਮੁਕੁੰਦਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਕੁੰਬਲਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਟਿਓਲਾ ਦੇਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਪੂਰਨਾ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन स्कीम 2023 की शुरुआत की। जैसलमेर के जीवाशम पौद्या खाने वाले डायनासोर की एक नवी प्रजाति मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया। नैक्सट है G20 जंगलात सेहत वर्कशॉप का हाल ही उद्घाटन कित्थे किया गया। हाँ जी, G20 जंगलात सेहत वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया वा बंगलौर दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है किस बैंक ने हाल ही विच इनफिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। हाँ जी, इनफिनिटी सेविंग अकाउंट यह घरेलू बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया वा तो एक्सैस बैंक ने इनू किया लॉन्च। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हूँ एक्सैस बैंक ने किया तो इसकी स्थापना कदों हुई 1993। इसका हैडक्वार्टर कित्थे है? मुंबई दे विच। एट प्रेजेंट इसके MD एंड CEO कौन ने? अमिताभ चौधरी। नैक्सट है हाल ही विच भारतीय क्रिकेट टीम के डोमैसटिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसने हासिल किए? हाँ जी, रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम के डोमैसटिक मैचस के जेडे टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किए IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हुण IDFC फर्स्ट बैंक की गल हुई है, इसकी स्थापना कदों हुई? 2015। इसका हैडक्वार्टर मुंबई दे विच। एट प्रेजेंट इसके MD & CEO आ वी वेदीनाथन। नैक्सट है किसने हाल ही विच आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल किताब सिख एंड मोदी रिलीज़ की? हाँ जी, आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल किताब सिख एंड मोदी रिलीज़ की आ JP नड्डा ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जी बुक है ना, एकता ते धर्म प्रति सिख गुरुआ की सिक्ख्या ते योगदान बेस्ड आ। नैक्सट है हाल ही विच राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कदों मनाया गया? हाँ जी, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यह हरेक साल 30 अगस्त को मनाया जाता लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुण जिवें कि तुहानू पता सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है तो इस करके अगस्त के जो इंपोर्टेंट दिन आ सारे खत्म हो गए आ। अगस्त के जो भी इंपोर्टेंट डेज आ वो मैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिख दिते आ, तुसी टैलीग्राम चैनल पर विजिट करके PDF दे विच रीड कर सकते हो। तो जो भी कोई नवा दिन शुरू होंदा, मतलब नवे दिन शुरू होंदे, जिवें हुण सितंबर के नवे दिन शुरू हो गए, जो भी सितंबर के इंपोर्टेंट दिवस सैलीब्रेट किए जाते हैं उन्होंने तुम हूँ अलग तो एक पेज लगा लो। जिवें ही मैं तुहानू कोई डे करवावांगी तुसी उस डे नू नोट कर लेना वा पेज ते। जिवें ही नैक्सट डे तुहानू कोई डे करवाया जांदा तो तुसी उस डे नू नोट कर लेना, नाल ही पिछले नू रिवाइज कर लेना। इस तो बेस्ट तरीका कोई भी नहीं गा डेज नू याद रखन दा। नैक्सट है हाल ही विच FIFA ने किस देश की फुटबॉल फैडरेशन ते पाबंदी हटा दित्ती? हाँ जी, FIFA ने श्रीलंका की फुटबॉल फैडरेशन तो पाबंदी है जी हटा दित्ती है। ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है श्रीलंका। हुण देख सकते हो तुसीं मैप दे विच श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, ये कमर्शियल कैपिटल है, अते श्री जवर्धनपुरम कोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आ। इतों की करंसी है श्रीलंकियन रुपया, तो इतों के प्रेजिडेंट आ रनिल विक्रम सिंघे, तो प्राइम मिनिस्टर आ दिनेश गुणवर्धन। इस तो इलावा भारत ने डिजिटल पछाण प्रोजैक्ट लिए श्रीलंका 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को 13वीं सोध लागू करने की अपील की। सी अट्टा पट्टू ICC महिला एक रोजा बल्लेबाजी दर्जाबंदी विच टॉप ते रहे। श्रीलंका दे ऑलराउंडर वनिंदु हसारंगा ने टेस्ट क्रिकेट तो संन्यास लिया। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है। ते वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो तां प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।